हाई गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो टुडे इज 20th of June एंड आज है हमारे ओडिशा का सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल रथ यात्रा। सो हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जय जगन्नाथ। एंड बहुत जन मत कहते कि दीदी तुम्हें प्लीज ओडिया रे कथा हो, तो मोर ओडिया सब्सक्राइबर्स मन को पाई मु तुम मन को ओडिया रे विश कर दूची। सो तुम समस्त को मु रथ यात्रा उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा जनाऊची। समस्ते भल रथाओ, खुशी रथाओ, जय जगन्नाथ। एबे कि कंप्लेन करबोनी कि मु ओडिया रे कथा बेनी। देखो मु मोर चैनल स्टार्ट करथली फर्स्ट रे हिंदी रे ही, एंड मोर मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स ओडिशा बाहर अछंती, अलगा अलगा स्टेट रो अछंती, तो मते हिंदी रे ही कहते पड़े, नाले से माने बुझी पारबेनी। बुझा तुम्हें मैंने ठीक है। ओके गाइस, तो आज मुझे ये दो पार्सल्स रिसीव हुए हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम मिंत्रा एंड ये वाला है अमेजोन से। ये मैंने मंगाया था एक नॉन स्टिक पैन का सेट एंड ये वाला बुक है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। सो दिस इज द बुक दैट आई हैव ऑर्डर्ड, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अच्छा बुक है, सुना तो है, देखते हैं। सो गाइज, अभी 1 week से मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, नहीं तो मेरा शेड्यूल एकदम बिगड़ा पड़ा था। रात को लेट से सोती थी एंड सुबह 9-10 बजे उठा करती थी, तो अब वो मैं हैबिट थोड़ा सुधार रही हूँ एंड इस बुक को पढ़कर मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा जल्दी उठने के लिए, तो देखते हैं। सो गाइज, दिस इज द नॉन स्टिक कुकवेयर सेट दैट आई हैव ऑर्डर्ड एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड वंडर शेफ। ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डोसा पैन, दिस इज फ्राइंग पैन एंड मिल जाता है कढ़ाई। क्वालिटी तो इसकी अच्छी लग रही है मुझे, बस डोसा पैन का ये वाला साइड मुझे थोड़ा बैंड लग रहा है, बट ठीक है, चलता है। तो गाइज, अभी मुझे एक शॉर्ट वीडियो एडिट करना है, तो वो अभी मैं करूँगी। एंड गाइज, हमारे सिटी में बारीपदा में कल है रथ यात्रा, कल एंड परसों 2 दिन होता है रथ यात्रा, तो देखते हैं कल या फिर परसों जब भी मैं जाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। सो या सो गाइज, अभी शाम के 6 बजे हैं एंड आई एम गोइंग आउट। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। ओके गाइज, तो घर आते वक्त मैंने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे एंड मैं ये गोलगप्पे भी लेकर आई थी जो स्नेहा और मैंने खाया। नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मैं और एक वीडियो शूट कर रही थी। एंड टुडे इज 22nd June, आज मुझे रथ यात्रा देखने जाना था एंड मैंने रात को बालों पर ऑयलिंग भी की थी, सो आज हेयर वॉश भी करना है मुझे। तो हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लूंगी ताकि सारे टैंगल्स रिमूव हो जाए। वैसे तो मैंने ब्रेड्स किया था तो टैंगल्स तो होंगे नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं कॉम्ब। एंड आज मैं चाहती हूँ कि मेरे हेयर एकदम सैलॉन जैसे शाइन करे, सो आज मेरे हेयर वॉश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये बी ब्लंड का इंटेंस शाइन रेंज। गाइज, बी ब्लंड इज ए प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करूंगी ये बी ब्लंड का इंटेंस साइन शैम्पू। दिस शैम्पू इज डिजाइन बाय एक्सपर्ट हेयर प्रोफेशनल्स एंड गाइज, इसमें है यूनिक साइन टोनिक फॉर्मूला, राइस प्रोटीन एंड सिल्क प्रोटीन जो मेरे एक एक हेयर स्ट्रैंड को कोट करके मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लॉसी शाइन प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट मैंने इंटेंस साइन कंडीशनर अप्लाई किया अपने हेयर लेंथ एंड एंड्स पे। ये कंडीशनर मेरे डल एंड लश्लेस हेयर में जान डाल देता है एंड मेरे हेयर्स को एकदम स्मूथ एंड ग्लॉसी बना देता है। गाइज, दिस इंटेंस साइन रेंज बाय बी ब्लंड ऑल्सो हैज अ हेयर मास्क। इसको मैं अच्छे से अपने हेयर्स पे लगा के 5-10 मिनट्स तक रखूंगी एंड देन वॉश कर दूंगी। ये वाला बी ब्लंड का इंटेंस साइन रेंज मेरे हेयर को 23 times मोर शाइनियर बनाता है एंड घर बैठे बैठे मेरे हेयर को एकदम सैलॉन लाइक शाइन भी मिल जाता है। अगर आप बी ब्लंड से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो देन वो आपके ऑर्डर को एक वुमन के साथ लिंक कर देंगे। टू एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लंड साइन एकेडमी, दे आर ऑन ए मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन। हेयर यू कैन सी कि मेरे हेयर ड्राई होने के बाद कितने ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी लग रहे हैं। सो इन प्रोडक्ट्स का लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यूज माई कूपन कोड SONIASAU2023 फॉर फ्लैट 20% ऑफ ऑन bblend.com। यू कैन ऑल्सो बाय दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम Amazon, Flipkart एंड Nykaa। तो उसके बाद हम रेडी होके गए रथ यात्रा देखने। मैं, स्नेहा और मेरी फ्रेंड सुरभि, हम तीनों गए थे।
सो रथ यात्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओडिशा पुरी विच इज नोन एज द फर्स्ट श्री क्षेत्र। वहाँ रथ यात्रा तो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है एंड हमारे सिटी बारीपदा इस सेलिब्रेशन में सेकंड नंबर पे आता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द्वितीय श्री क्षेत्र विच मीन्स सेकंड पुरी। हमारे सिटी का रथ यात्रा इसलिए भी फेमस है बिकॉज यहाँ जो माँ सुभद्रा का रथ होता है उसे सारे फीमेल्स यानी लेडीज ही खींचती है। तो रथ यात्रा देखने के बाद हम थोड़ा पेट पूजा करने जा रहे थे। बाय द वे यहाँ मेला भी लगा है जो कि आपको मैं बाद में जब घूमने आऊंगी तब दिखाऊंगी। सो यहाँ हमने ऑर्डर किया पनीर पिज्जा एंड चिली गार्लिक नूडल्स। देन मैंने सुरभि को उसके घर पे छोड़ा एंड देन वी केम बैक टू होम। सो टुडे इज 25th ऑफ जून एंड मैंने लास्ट व्लॉग आई थिंक 22 को किया था जब मैं रथ यात्रा गई थी एंड फिर दो दिन तक मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। मैं एक्चुअली वीडियो वगैरह एडिट करने में बिजी हो गई थी तो इसलिए कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। एंड अभी मैंने फोन इसलिए उठाया क्योंकि एक चीज दिखाना है आपको। ओके गाइस, तो ये वाला वॉल स्टिकर मैंने एक साल पहले खरीदा था एंड आज तक मैंने कहीं भी इसे नहीं लगाया है तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे इस वाले वॉल पे मैं इसको लगाऊंगी तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मम्मी ने वॉल पे कुछ भी लगाने से मना किया था बट ठीक है लगा देते हैं। एंड से हेलो टू अवर न्यू मेंबर पिंपल। फाइनल लुक ऑफ माई वॉल स्टिकर, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। लाइक व्हाइट वॉल के ऊपर ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे इस पूरे वॉल को एक न्यू लुक मिल गया एंड इसे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना होता है नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे नंबरिंग तो क्या होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।